सिया दीदी के कमरे में गई थी, फिर कौशिक के कमरे से कैसे बाहर निकल रहे? गलतियां किससे नहीं होती है, इसने भी गलती की, इसने भगवान का अपमान किया। ये तरकीब कारगर है इन दोनों के बारे में जानने के लिए और इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए। और परिणाम, घर से शांति गायब हो गई। परंतु आप चिंता ना करें, हम इस घर में आ गए हैं, शांति भी आ जाए। शांति भी आ जाएगी, लेकिन पहले इसे अपने आप को बदलना होगा। सिर्फ इनको इनकी बातें ही सच लगती हैं, बाकी सब झूठ है। किसी की बात इसे बर्दाश्त नहीं होती। हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, वही सही है। इस सोच को इसे बदलनी होगी। गुस्सा, झगड़ा, लड़ाई सब छोड़ना होगा। अरे माँ बाप तो परमेश्वर के समान होते हैं, उनकी इज्जत करनी होगी। पुत्र, आपको अपने जिद का परित्याग करना होगा, सब मुरारी ठीक कर देगा। बिल्कुल सच कहा आपने, बिना बताए आपको सब कुछ पता चल गया इसके बारे में। आप महान हैं गुरु माँ। गुरु माँ की जय, रुक्मणी माँ की जय। इसमें झंडा ऊंचा करने का जरूर, अब जितना इन्होंने हमारे बारे में बताया उतना तो बाजू वाली उषा काकी भी जानती है हमारे बारे में। और हर बच्चा माँ का दुलारा होता है, अब बच्चा है तो जिद्दी तो होगा ही, जिद्दी है तो किसी की बात को बर्दाश्त कैसे करेगा, है ना? और जब बात को बर्दाश्त ही नहीं करेगा तो झगड़ा तो होगा ही ना। का अब इनमें कोनू नई बात बता दी अम्मा इन्होंने आपको कि आप इनकी जे जे कार किए बैठे। चुप करो, गुरु माँ के पैर छो और आशीर्वाद दो। अम्मा, आप हमें अच्छी तरह जानती हो ना, अब जो काम हमसे हो ही नहीं सकता उसके लिए काहे बार बार हमें कहती हो? और वैसे ही भाई, ये सब पूजा पाठ में हमको विश्वास नहीं, और हम किसी के पैर वैर नहीं छूने, और ना ही हमें कोई आशीर्वाद की जरूरत। यही संस्कार दिए हैं तुमने इसे? एक मिनट, अगर कोई उम्र, औदे और तजुर्बे में हमसे बड़ा है और हमारे घर आया हुआ है तो हमें उनके पैर छूकर उनका सम्मान करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें मानते हैं या नहीं मानते हैं, बल्कि हम उनका सम्मान उनके ज्ञान और उनके तजुर्बे की वजह से करते हैं। हम जानते हैं कि आप भगवान को नहीं मानते हैं, और गुरुमा भगवान की दूत है। और वो आपके घर पर आई हुई है, वो आपसे बड़ी है, इसीलिए आपको उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। लीजिए। रुक जाओ पुत्र, एक न एक दिन तुम परमेश्वर की शक्ति और प्रताप को जरूर मानोगे, और जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन तुम हमारे चरण को स्पर्श करना। ऐसा समय कभी नहीं आएगा। नादान है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी सही रास्ते पे आ जाएगा। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। प्राण ना तेवर सहित
कुशल कुशल्या आई सुजहु सब मनोकामना सो सुन सुझाए। अर्थात हे रघुबीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसी नहीं मालूम। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझे बड़ी विनती सुनाई, ये तुम उस पर कृपा की और मुझ पर बड़ाई की। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय 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 सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय 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 राम। मुझसे आके मिलो कौशिक। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 मुझसे आके मिलो सरस। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। चलो फुलवा रानी, आगे की कहानी का सजीव दर्शन करते हैं जो है। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 हे मुरारे, हे कृष्णा, सुख शांति बनाए रखिया। हमें नहीं पता था कि तुम इतनी रोमांटिक हो और हमसे मिलने के लिए तड़प रही हो। सही है, बाहर सभी लोग भजन कीर्तन में बिजी हैं और यहाँ हम अपने ही अगर में। नहीं कौशिक, कोई आ गया तो अच्छा नहीं होगा, पीछे हटो, यहाँ कोई कभी भी आ सकता है। कोई नहीं आएगा यार, तुम इतना डरते क्यों हो? हमारी दीदी का ससुराल ना होता ना तब तुम्हें दिखाते, तुम मुझसे डरते, समझे? और अभी हमें कदम बहुत सोच समझ के उठाने हैं। एनीवे, क्यों बुलाया हमें यहाँ पे? हमने बुलाया। वाजी,
हमसे मिलने के लिए तुम तड़प रही थी और हमने बुलाया। चलो अब सताओ मत, हमारी बाहों में आ जाओ। हे भगवान, घोर अनर्थ, यहाँ तो लैला मजनू वाला धारावाहिक चल रहा है। अब बस किसने देख लिया तो आफत आ जाएगी। चलो वापस चलते हैं। सरस्या, अब बनो मन, तुम्हें तो पता है ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। पता होने से क्या होगा, पहले तुम अपनी अम्मा और अपने पापा से हमारे बारे में बात करो, तब तुम्हारे प्यार का कोई मतलब होगा, वरना तो। अच्छा जी, ऐसी बात है तो ठीक है, चलो हम आज ही बात करते हैं। लेकिन यार दूर तो मत जाओ प्लीज। अरे हम वादा करते हैं, हम आज ही बात करेंगे। पक्का? पक्का। अब खुश? अब तो बाहों में आ जाओ प्लीज। अच्छा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभानअल्लाह, जो है सो। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन इस लड़की को हम ई घर में आने ना देंगे। फुलवा रानी, आज तुम्हारे हाथ में तुरुप का इक्का लगा है, अब चाल चलने में मजा आएगा। अपनी बेइज्जती का बदला तो हम लेके ही रहेंगे इससे। इसकी बहन या को भी इस घर से बाहर निकलवा देंगे। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? अरे पंखा चालू है फिर भी इतनी गर्मी और पसीना। बेटा पसीना गर्मी का है या किसी और चीज का? हाँ अरे और का बात हो सकती है मौसी, जवान खून है हमारा और गर्मी भी हमें ज्यादा लगती है ना। अच्छा मौसी, वो तुम हमको बुला रही थी, कौनो काम आ पड़ा है क्या हमसे? अरे ना बेटा, अब तक तुमसे कभी कोई काम पड़ा है का जो अब पड़ेगा? और हमें का पता अगर आगे जाके काम पड़ा भी तो तुम करोगे या नहीं? क्यों 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 नहीं सुनेंगे मौसी, बोलिए ना कहाँ काम आया। अच्छा वो बनवारी के यहाँ से चाट लाना है आपको। अच्छा तो चलिए ना लेके आते। चाट नहीं बेटा, चाटा खिलाना है तुमको। कहिए ना क्या काम है आपको। अरे वो हमें कोई काम ना है बेटा, हमें कुछ ना मंगवाना है, वो तो जी जी बुला रही थी तुम्हें। तो चलिए चलते हम, आइए चलो। चलो अरे मौसी चलिए ना। हाँ हम अपने बाल तो सवार ले जरा। हाँ चलो। अरे मौसी चलिए ना। हाँ चलो चलो। इतनी जल्दी नहीं बच्चू, अपने तुरुप के इक्के के सहारे हम मौका देखकर चौंका मारेंगे जो है सो। गुरुमा गुरुमा बोलकर जिनकी तुम लल्लो चप्पो कर रही हो, ऐसे लोग एक नंबर के ढोंगी होते, दुकान खोल के बैठ जाते। कि कैसे अच्छे परिवार के लोगों को लूट लिया जाए इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। गुरुमा भगवान को भोग धराए बगैर कभी खाना नहीं खाते, चाहे सर्दी हो, जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात हो, कोई भी मौसम क्यों ना।
देखो हमरे अहम को कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करे ये हमें रत्ती भर भी पसंद नहीं। ये लंबा चौड़ा लेक्चर देकर तुम हमको सबके सामने जो करवाई हो ये तुम्हारी नौटंकी हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। का साबित करना चाहती हो तुम कि हम जाहिल गवार हैं, हमें अकल नहीं है? तुम बड़ी होशियार हो, सारे रीति रिवाज और संस्कार तुमको ही आता है का? हम बुद्धू है का? का साबित करना चाहती हो? हम कुछ साबित करना नहीं चाहते, हम सिर्फ इस घर की इज्जत बनाए रखना चाहते हैं, जिसकी कदर आपको नहीं है। अच्छा, हमरे घर की इज्जत और हमें कदर नहीं? तुम वो औरत के पैर हमसे छुआ के इस घर की इज्जत बढ़ाना चाहती हो तो दिखाओ ना हमको, कहाँ गई हो तुम्हारी इज्जत, दिखाओ। इज्जत दिखाई नहीं जाती, इज्जत तो बातों में होती, आंखों में होती, दिल और दिमाग में होती है, हाव भाव में होती है, लेकिन आपके आपके ना वो आंखों में ना दिमाग में ना हाव भाव में कहीं नहीं नजर आती गुरु माँ के लिए। और ना होगा, हम अपने बाप की इज्जत आज तक नहीं कर पाए तो वो औरत की क्या करेंगे? हाँ, यही तो हम नहीं चाहते थे कि गुरु माँ आपके बारे में बोलो ना, कहे रुक, बोलो क्या नहीं चाहती थी तुम और तुम बोलना क्या चाहती? हाँ छोड़िए, जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने, अभी तक हमारी बात पूरी नहीं हुई, जब तक हम बोलते रहेंगे तब तक तुम्हें चुपचाप यहीं खड़े रहना है, कहीं नहीं जा सकते। हम उन लोगों में से नहीं है जो तुम्हारी बात बैठ के सुनेंगे। ये जो अपनी जिद है ना, अपनी अम्मा से पूरी करो। गजब, आपसे अचानक सीधा तुम पर। आप कहने के लायक काम करोगे तो आप कहेंगे, नहीं तो तुम कहेंगे। तुम कहने का भी काहे कष्ट उठाए, सीधा तू बोल दो ना। इतनी समझ है हमें कि किसे आप कहना है, किसे तुम कहना है, किसकी इज्जत करनी और किसकी बेइज्जती। एक बात हमारे बारे में अच्छी तरह समझ कि हम अपनी मर्जी के मालिक और बहुत ही उल्टी खोपड़ी, ये बात पूरी दुनिया जानती है। अगर यही बात वो गुरु माँ को भी पता चल जाएगी तो हमारी सेहत पे कोनू फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम दुनिया के बारे में भी जानती नहीं, ये गुरु माँ बोलकर जिनकी तुम लल्लो चप्पो कर रही हो ऐसे लोग एक नंबर के ढोंगी होते, दुकान खोल के बैठ जाते, कि कैसे अच्छे परिवार के लोगों को लूट लिया जाए इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बड़ी आई उनकी इज्जत करवाने वाली। देखो तुम्हें अगर उनकी इज्जत नहीं करनी मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन हाँ जो लोग उनपे श्रद्धा रखते हैं, उनपे आस्था रखते हैं, उनपे तो उंगली मत उठाओ। और हम नहीं मानते कि गुरु माँ उन लोगों में से जो पाखंडी होते हैं, जो साधु संत बनने का दिखावा करते हैं, कि गुरु माँ तो एक साध्वी है जो लूटती नहीं है बल्कि वो बांटती है अपना आशीर्वाद। इसके बाद तुम्हें जो कुछ भी उनके बारे में सोचना है तुम सोचते रहो, लेकिन हम जो उनके बारे में सोचते हैं वो हमारी मर्जी। भोजन को ग्रहण करो ताकि आपके ग्रहण करने के बाद हर कोई इस भोजन को ग्रहण कर सके। गुरु माँ भगवान को भोग धराए बगैर कभी खाना नहीं खाते, चाहे सर्दी हो, जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, सुबह शाम भगवान को भोग चढ़ाए बगैर
मजाल भी है कि इनके मुंह में अन्न का दाना भी जाए जो है सो। कहो, भगवान को भोग लग चुका है, अब गुरु माँ के लिए भोजन लगा दो। जी माँ जी, आओ सर। हरे मुरारी हरे, ये क्या किया तुम लोगों ने? हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। क्षमा करे गुरु माँ, लेकिन हुआ क्या है? सारी रामायण खत्म हो गई और पूछती हो कि राम को वनवास क्यों हुआ? इस खाने में अंडे का छिलका कहाँ से आया? भोजन ग्रहण कीजिए। हरे मुरारी हरे मुरारी। हरे मुरारी हरे, ये क्या किया तुम लोगों ने? हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। वर्षों की हमारी तपस्या को एक पल में नाश कर दिया। अरे हम साध्वी हैं, साध्वी सादा अशुद्ध भोजन करते हैं। क्षमा करे गुरु माँ, लेकिन हुआ क्या है? सारी रामायण खत्म हो गई और पूछती हो कि राम को वनवास क्यों हुआ? इस खाने में अंडे का छिलका कहाँ से आया? धर्म तो तुमने भ्रष्ट कर दिया ना, पूरा श्राप तुमको अकेली को ही लगेगा, कोई नहीं बांटेगा तुम्हारा ये श्राप। लो तुम्हारे बचे हुए 40 रुपये। मेरे पैसे आपके पास कहाँ से बच गए? अब 2 अंडे के हुए 10 रुपये, 50 में से 10 गए तो 40 बचे ना। सरस तुम यहाँ से चली जाओ, अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। खनगर मैं तुमसे शादी करके इस घर में आ जाती हूँ, तुम क्या कह रहे हैं कि मेरे साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जाएगा जैसा दियाजी के साथ किया जा रहा है?